स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आईटी डेली जॉब अपडेट पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटी पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटी से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं। इस साल का ये अंतिम दिवस चल रहा है, लगभग आज 30 तारीख हो गई है, 31 तारीख कल लास्ट दिन है, उसके बाद साल ख़त्म हो जाएगा। इस साल में काफ़ी कुछ मिला, काफ़ी सारी भर्तियाँ आई हुई और जहाँ तक संभावनाएँ हैं कि आने वाला साल 2024 हम सभी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। कई सारी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए सरकारी भर्तियाँ वहाँ पर निकलना जो बाकी हैं वो इस बार इलेक्शन से पहले निकल जाएगी। क्यों ना हम एक बार चेक करें कि 2023 में जो भर्तियाँ सरकारी भर्तियाँ आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए निकली हैं उन भर्तियों के फॉर्म भी अभी तक आप लोगों ने फिल किए हैं या नहीं किए हैं। उनके फॉर्म फिल करने की कल अंतिम तिथि है और लगभग 3 ऐसी भर्तियाँ हैं जिनमें 3100 प्लस यानी कि 3100 जो पोस्टें हैं आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्तियां हैं और कई सारे छात्र अभी भी इस भर्ती से चूक ना गए हों इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकर चलता हूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। इन सभी के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि जिसने अब तक फॉर्म को नहीं फिल किया है वो जाकर के फॉर्म को फिल कर दें। वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही गाइज़ अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो वर्तमान भर्तियां चल रही हैं उसमें से पहली भर्ती की बात करेंगे, वो है NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें वर्तिकाग्रही प्रशिक्षु टेक्नीशियन बी यानी कि स्टेफनरी ट्रेनी कैटेगरी 2 की जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई हुई है उसमें आईटीआई पास आउट छात्र एलिजिबल हैं। किस किस के लिए भर्ती हैं मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पर संयंत्र प्रचालक यानी जिसे प्लांट ऑपरेटर बोलते हैं उसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है टोटल 8। फिटर के लिए 8 वैकेंसी हैं जिन छात्रों ने फिटर से आईटी की उनके लिए। उपकरणीकरण और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यानी कि इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 6 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर 5 पोस्टें हैं। प्लम्बर के लिए 2 पोस्टें हैं जिसमें आईटीआई ही सिर्फ मांगा है, आईटीआई के अलावा और छात्र अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वेल्डर के लिए 1 पोस्ट है, बढ़ई के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 31 पदों पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई हैं आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए NPCIL की तरफ से, जिसका फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है आप लोगों की वो रखी है, देख लीजिएगा। इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे 14/12/2023 को, मैंने तभी वीडियो बना दिया था जिस दिन फॉर्म स्टार्ट हुआ था और अभी फिर से वीडियो बना रहा हूँ। इसकी लास्ट डेट है आप लोगों की 5/1/2024 यानी कि 5/1/2023 से पहले 24 से पहले पहले शाम 5 बजे से पहले पहले आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स को फिर से देख लो, फीस आदि को फिर से देख लेते हैं। ये जो इसकी डेट दी हुई है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे 14 दिसंबर से, 5/1/2024 17 बजे तक यानी कि 5:30 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लगभग 100 रुपये आप लोगों के फॉर्म भरने की फ़ीस इसकी लग रही हैं, वो आप लोगों को जमा करानी होगी और जो भी फीस लगेगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये करने के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ, किसी भी प्रकार से ये फॉर्म भरने से मत चूकना, अदरवाइज़ आप लोग काफ़ी ज़्यादा पछताएंगे बाद में। ये भर्ती जो है काफ़ी अच्छी भर्ती है, अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पर वैकेंसी निकली है। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन फॉर्म को फिल कर देना, जो भी इसका प्रोसेस है पूरे नोटिफिकेशन में देख लेना। पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बता दी थी आप लोगों को, नहीं देखी है तो वो वीडियो पर आप जा करके देख सकते हैं। चलते हैं अगली भर्ती पर, उसको देखेंगे कौन सी भर्ती है। सो गाइस देखिएगा अगली जो भर्ती है हमारे लिए है बहुत ही खास और ये वीडियो भी मैंने तभी बना दी थी, तब भी कई सारे छात्रों ने इसको देख लिया था। और अब फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, ये ट्रेड्समैन मेट की रिक्वायरमेंट थी जो कि इंडियन नेवी में है और इंडियन नेवी की जो ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी निकाली गई है लगभग 610 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास आउट छात्र ही एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। इसमें टोटल जो वैकेंसीज थी वो यूआर के लिए 254, एससी कैटेगरी के लिए 101, एसटी के लिए 66, ओबीसी के लिए 127, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 और टोटल वैकेंसी 610 पदों पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर निकाली थी। इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कल यानी कि आप लोगों की फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर रखी गई है।
आप कल के भरोसे मत रहिएगा, कल साइट चल भी जाए नहीं भी चले, कल साइट का कोई भी भरोसा नहीं है, आपका पेमेंट अटक जाएगा, फॉर्म अटक जाएगा, आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पछताना पड़ेगा। इसका फॉर्म जो है आज ही की डेट में अभी 30 दिसंबर को ही इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों का फॉर्म अगर साइट में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आज शाम तक भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया था, इसके बारे में पहले वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी छात्रों ने दिया है। इसमें जो जो टोटल ट्रेड्स हैं ITI पास आउट छात्रों की अप्लाई करने की, लगभग सभी ट्रेड के छात्र इसमें एलिजिबल हैं, और टोटल 64 ट्रेड के जो छात्र हैं ITI की, टोटल 64 ट्रेड के छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। देखिएगा टोटल 64 ट्रेड के छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ गाइज, वीडियो को अभी का भी लाइक कर दो। ये जो वैकेंसी है ये भी ITI पास आउट छात्रों के लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। इंडियन नेवी की तरफ से परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है ट्रेड्समैन मेट की, जिसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, सिलेबस रहेगा, वो जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस यानी कि GK के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन। जनरल एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में ये अंतर है, यहाँ पर आप लोगों की रीजनिंग आएगी, यहाँ पर मैथ आएगी 25 नंबर की, और 25 नंबर की आप लोगों की इसमें आ जाती है इंग्लिश। टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा, 90 मिनट यानी कि 1 आवर और 30 मिनट का आप लोगों का एग्ज़ाम इसका रहने वाला है। ये एग्ज़ाम आप लोगों को इसके लिए देना होगा। सिलेबस की बात हमने कर ली है, अब हम बात करते हैं अगली जो वैकेंसी है हमारी तीसरे नंबर पर, उसके बारे में मैं एक खाली पेज में बता दूं, उसके फॉर्म अभी चल रहे हैं। आप लोगों ने अगर उसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो अपना सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर उनके पास पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो, ठीक है, तो वो आप लोग बनवा सकते हैं। वो सर्टिफिकेट आप लोगों का लगभग 1 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है उसके थ्रू बन जाता है। वो आप लोगों को DV के समय चाहिए होगा, वो आप आराम से सीख सकते हैं। PSPCL में बता दूं, PSPCL की तरफ से ITI पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती निकल कर आई हुई है 2500 पदों पर। ये जो भर्ती हैं लाइनमैन की भर्ती हैं, इसमें ITI पास आउट छात्र एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अभी इसका फॉर्म चल रहा है, लगभग जनवरी मिड तक इसका फॉर्म चलने वाला है आप लोगों का, जनवरी के मध्य तक इसका फॉर्म आप लोगों का चलेगा, इसको भी जरूर से अप्लाई कर देना। ये थी ITI पास आउट छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, जो आप लोगों को बताना ज़रूरी था, क्योंकि कई सारे छात्रों ने आज भी इनके फॉर्म को फिल नहीं किया है। अगर आप इनके फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर के इनको डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो रहेगी ITI पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती की अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।